हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद ज़करिया खान और आप देख रहे हैं TribuneHindi.com। हमारी चुनावी यात्रा पहुंच चुकी है जैतपुर खुर्द गांव में। सिवनी विधानसभा का यह गांव है जहां पर लगभग 800 के आसपास आबादी है। छोटा सा गांव है मगर हर जगह कुछ ना कुछ समस्याएं होती हैं, तो उन्हीं समस्याओं पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस गाँव के कुछ नागरिक जो हमें मिल गए, यहाँ पे आम के झाड़ के नीचे बैठे थे। हमने सोचा क्यों ना इनसे बात की जाए। तो पहले तो इधर आ जाइए आप लोग और करीब में, और फिर बताइए आपका नाम क्या है। मेरा नाम भगवत सिंह विश्वकर्मा। विश्वकर्मा जी, ये जो गांव है आपका जी, क्या समस्याएं हैं इस गांव की? चुनाव आ रहा है, पता होगा आपको? हाँ, चुनाव आ रहा है ये तो पता है। समस्या तो बहुत सारी हैं लेकिन हल हो जाए तब है। समस्या तो बढ़ती जाती हैं और हो नहीं रही कुछ। जैसे ये पुलिया वाला काम ये पड़ा पेंडिंग में, कल एक ठो पुलिया बह जाए, पूरी रोड जाम हो जाए, बसें बंद हो जाए, आदमी का आवक जावक बंद हो जाए, इसका जवाबदारी कौन है? ऐसा आ जाइए, उनको आप आ जाइए ना इधर, इसकी जवाबदारी किसकी है? जी जी, तो मतलब ये पुलिया की समस्या है, पुलिया की समस्या है, गांव में नाली की समस्या है। जो नल का पानी बीच रोड से आके मेरे दरवाजे और मेन रोड से भर रहा है, जो कीचड़ है अभी भी वर्तमान में। हाँ। सिवनी से आप जैतपुर आ जाएंगे आपकी गाड़ी नहीं भरेगी, लेकिन जैतपुर ग्राम के अंदर अगर घुसेंगे तो पूरी गाड़ी लथपथ आ जाएगी और आप उतर नहीं सकते जूता पहने हो तो। अच्छा, एक चीज ये तो हो गई गाँव की एक समस्या आपने हमें बताया। कभी इन समस्याओं के बारे में आपने किसी से कुछ जिक्र किया, बताया जनप्रतिनिधियों से? अरे जनप्रतिनिधियों से बताए, विधायक जी से बताए, यहाँ मीटिंग हुई उन लोगों की, उनसे बताए। हाउस से कूद नहीं, दिनेश राय मुनमुन। हाँ, दिनेश राय मुनमुन। हाउस से चूकते नहीं है जी, और करते कुछ नहीं है। पंचायत में भी दो दो चार चार बार लिख के दे दिए कि भाई ये समस्या देखो, आप दिख रही का नहीं दिख रही, हम अपने तरफ से इतने जोड़ के बता रहे, अगर है तो हाउ कहो, नहीं है तो मत कहो। हाउ से चूकते नहीं है और करते कुछ नहीं है। गजब डायलॉग है आपका, हाउ से चूकते नहीं है करते कुछ नहीं है। तो इन चीज़ों को इसके पहले और कितनी बार आप बता चुके हैं? आप बोले कि एक बार बताए, एक ही बार, एक बार नहीं, उन्हें याद नहीं दिलाया कि आपने बैटिंग में? याद दिलाया नहीं, ये एक पंचवर्षीय जे भी पूरी हुई जा रही है और इसके आगे वाली पंचवर्षीय पूरी हो गई। अच्छा, इसमें भी कोई वहाँ कुछ ना नाली बनी है ना कुछ नहीं है, पूरा गांव भर का पानी आके सामने इकट्ठा हो रहा, और नहीं तो इन सब लोगों से पूछा जाए, नहीं तो वर्तमान स्थिति में एक मिनट रुक के देख लिया जाए। अच्छा, बारिश का मौसम शुरू हो चुका है, खेती बाड़ी कैसी चल रही है? अरे खेती बाड़ी तो सब ठीक ठाक चल रही है। खेती बाड़ी क्या चल रही, किसान भेड़ा है, रोड जाने को तैयार, मतलब रोड है नहीं, किसान कितनी परेशानी से अपना खेत पहुंच रहा है, बोई जाने की बरसात क्यों आ जाती है? खाद वगैरह आसानी से मिल गई? अरे खाद के लिए आसानी बसानी कछु नहीं मिली, सब नंबर दो में काम चल रहा हो। अरे नंबर एक में कहाँ चल रहा हो, खाद मिलने में दिक्कत जा रही है? अरे बहुत दिक्कत जा रही होना जा रहा है, दो दो दिन खड़े हैं लाइन से, टोकन मिल रहे हैं, फिर कल आना परसों आना, ऑटो वाले के लाल कुत्ती कर रहा है, कहा है जो? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि हम किसान सम्मान निधि के तौर पे किसानों को 1,000 रुपये देते हैं, 2,000 रुपये देते हैं, 6,000 रुपये साल के आते हैं शायद, यही है ना, दो महीने में एक, तो किसानों का उससे फ़ायदा हो रहा है, कितना फ़ायदा हुआ आपका? किसानों को फ़ायदा तो हो रहा, वो दे रहे हैं लेकिन उससे ज़्यादा तो ऐसे भी कर रहा है। जैसे अब खाद के रेट बढ़े। हाँ। जो आज 200-250 रुपये में मिल रही थी, आज 350 रुपये में लोग कर रहे हैं, और उसके साथ में अलग से बाल्टी ले जाओ, नहीं तो वो फर्टिलाइजर ले जाओ। हाँ। तो 1,000-2,000 को वो अलग से लो, खाद तो गई के तई वो ही खरीदत रहो। अच्छा, अब एक सवाल है मेरा, इस बार जब चुनाव का समय है, जो कि अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट देंगे आप लोग? क्या किसानों के मुद्दे पर आप लोग वोट देते हैं या देंगे? किसानों के मुद्दे पे भी देंगे और अन्य जो महंगाई है इस मुद्दे पे भी देंगे। महंगाई से परेशान? हाँ, महंगाई से काई नहीं परेशान है, हैं? काई नहीं परेशान, हर आदमी परेशान है, एक मजदूर से लेके वो तक किसान तक। अच्छा, हैं? गेहूं के रेट समर्थन मूल्य 2125 रुपये करे, लोकल व्यापारी उसको 2300-2400 में खरीद रहा है, गवर्नमेंट को देंगे किसान ले जाके? नहीं, देते नहीं। हैं मजबूरी। अभी एक गांव में रुका था, वो तो बोल रहा था हमने 1800 में बेचे लोग। हाँ, मैं मान रहा हूँ ना, 1800 में और 1500 में, अब इमरजेंसी है तो देना तो पड़ेगा साहब। अगर लेबर 2300 में बिका, बोल रहे हैं आप कहाँ अभी बोले? अरे 2300 में जी आज ले रहे हैं व्यापारी। हाँ।
गवर्नमेंट रेट थे तब तक नहीं लिए उनने भी, बस जो भी 2018 जो की जितने हम मजबूरी हम अब लेबर चल रहे हैं श्रीमान जी, लेबर चल रहा है खेत में, अब उनको मंगल के दिन पेमेंट देना है तो व्यापारी अब कोई भाव ले देना तो पड़ेगा ही, जब लेबर पेमेंट करना हमको। अच्छा भैया अभी मैंने पूछा था आपसे कि महंगाई से परेशान है, तो आपने बोले था कोई बिल्कुल है, क्या 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 समस्याएं हैं? समस्या इधर आ गया, ये दाल देखो आज 120 रुपए बिक रही है, टमाटर देखो 120 रुपए बिक रहा है, कहाँ से लाए कहाँ से खाए, बताओ गरीब आदमी छोटे आदमी मजदूरी कर रहे हैं, क्या रहे हैं? क्या है आपका आय का जरिया? कुछ नहीं, मजदूरी है, मजदूरी तो क्या समस्या आपको समझ में आती है कि हाँ महंगाई में ये जो समस्या है ये बहुत बड़ी समस्या है, इसका जो रेट है वो कम होना चाहिए? हाँ, बिल्कुल कम होना चाहिए। नहीं तो किस चीज का आपको लगता है? सभी चीज किराना में, सब चीज देख लो आप, तेल देख लो, शक्कर देख लो, मतलब सब्जी में देख लो, घर का जो किचन का जो सामान है वो बजट बढ़ गया है, बिल्कुल बढ़ गया, परेशान है हम बहुत। गैस देख लो आप। अरे गैस से मुझे याद आया, आप गैस की बात कर रहे हैं, कमलनाथ कह रहे हैं 500 में गैस देंगे, दे देंगे, देंगे देंगे देंगे, मतलब आप लोग मानते हैं देंगे देंगे देंगे, नहीं तो चुनावी वादा भी हो सकता है, बोलता तो करता है, नहीं नहीं चुनावी वादा भी हो सकता है, आप कैसे कह सकते हैं? कर्ज भी माफ किए पिछले, आप बताओ कैसा? अच्छा आप आइए आगे आगे आइए, क्या बोल रहे हैं आप? बार भी तो कमलनाथ जी ने कर्ज माफ किए हैं आदमी को, लोगों को 50-50 1-1 लाख का कर्ज माफ हुआ है, क्या बता रहे हैं आप लोग? बीजेपी तो कहती कर्जा माफ नहीं हुआ, हमारे पास प्रमाण पत्र रखे। अच्छा आपका कर्जा माफ हुआ? भाई का माफ हुआ हमारे, कितना हुआ? 50,000 रुपए। और आपका? नहीं मेरा तो नहीं हुआ, था नहीं तो कहाँ से। अच्छा आपका था ही नहीं, और आपका? आपका है तो ही नहीं, आपका भी नहीं, कर्जा माफ आपका हुआ है? हाँ भाई के हुआ, हमारे बड़े भाई का। ये एक हमें मिले एक व्यक्ति जो कह रहे हैं कि इनका पिछले बार जो किसान माफी कर्जा माफी योजना थी उसमें इनका कर्जा माफ हुआ था। थोड़ा सा इधर आ जाइए, क्या होता है फ्रेम से हम लोग बाहर होते हैं, ये सारी बातें आप लोग कर रहे हैं, अभी आपने कहा कि गैस भी 500 में देंगे, बड़े कॉन्फिडेंस दिख रहे हैं, तो क्या मुझे ऐसा लग रहा है कहीं आप लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता तो नहीं है? नहीं कार्यकर्ता नहीं है, पर हम कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं, जो हमारे लिए अच्छा करेगा उसको हम देते हैं। अच्छा जो अच्छा जो अच्छे करेगा उसको देंगे हम। जो बीजेपी सरकार ने कुछ काम नहीं करी, अतिथि शिक्षक को अभी इसने नियमितीकरण नहीं करी है, बहुत से कर्मचारी ऐसे हैं जो समय में न पेमेंट दे रही है बीजेपी सरकार, हाँ। न उनका नियमितीकरण कर रही है, न स्थायीकरण कर रही है, हाँ। और आम लोग बहुत परेशान हैं इससे। क्या है थोड़ा सा ऐसा अभी आ जाएंगे ना कैमरे के उसमें जी, ये लोग क्या कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं को, बेरोजगारी दे रहे हैं ज़्यादा। अभी देखिए आप कोई भी व्यवस्था में ले आते हैं, 5-10 साल काम कराते हैं, उसके बाद उसके पास कुछ नहीं होता, उनका नियमितीकरण नहीं होता, और ये लालीपॉप दे रहे हैं जो लोग, और लालीपॉप देकर बेरोजगारी ज़्यादा इतनी ज़्यादा है कि अभी अभी मैं गेस्ट टीचर हूँ। अच्छा अभी मेरी 4 महीने की सैलरी नहीं दी है इन लोगों ने, और मात्र 6,000-7,000 में काम करवाते हैं, और मैंने बीएड भी किया हूँ, कम से कम 1.5-2 लाख का बीएड किया हूँ, लेकिन अभी तक हमारे लोग मांग करते करते थक चुके हैं, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 18 साल हो गए, मुख्यमंत्री सिर्फ ये कहते हैं कि हाँ आपका आश्वासन दे देते हैं और कुछ नहीं कर पाते। ये सरकार बिल्कुल जाना चाहिए, बदलना चाहिए, और महंगाई अभी 1150 में सिलेंडर था, अब भी हमने गैस सिलेंडर लिए हैं तो 1190 का गैस सिलेंडर भरे हैं, जबकि जो कांग्रेस सरकार है वो बोल रही कि 500 हम सिलेंडर देंगे, कमलनाथ जी देंगे, बिल्कुल हमको इनके ऊपर विश्वास है। अच्छा आप एक गेस्ट टीचर होके ये बात कर रहे हैं जी, तो आपको नहीं लगता कि ये कहीं आपकी नौकरी में खतरा ना पैदा कर? नहीं वो खतरा क्या पैदा करेगा भाई, खतरा कर दे तो कर दे, उसमें क्या है, हम पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं, अशिक्षित तो नहीं है कि कहीं दूसरा जॉब कर लेंगे, अब हटाएगा तो क्या कर ले, अभी तो इन लोगों ने आदेश तक नहीं डाले हैं, आदेश तक नहीं डाले। मैं यहाँ पे पूछूंगा, अभी रोड का देख लो जी, यहाँ से आप मारबोड़ी चले जाओ, यहाँ से रोड इतनी खराब रोड है, इतने गड्ढे हैं पूरे कमर भर, 50 किसान आ रहे हैं जा रहे हैं, और मैं कब से मांग कर रहा हूँ इसके लिए कि भाई रोड बनाई जाए, रोड वहाँ आज बन जाएगी। विधायक जी का क्या रोल काल है? देखो सिमनी विधायक दिनेश राय मुनमुन इस बार हारने वाले हैं, बहुत जम के वो इसलिए हारने वाले हैं क्योंकि इन्होंने काम तो करे नहीं, बस आ जाते हैं जे योजना वो योजना भली। देखिए उनके बारे में एक बात फेमस है कि कितनी बड़ा प्रत्याशी आ जाए वो इतना पैसा खर्च कर देंगे कि चुनाव जीत जाएंगे। देखिए अगर जो राजनीति में लोग पैसा खर्च करते हैं वो सबसे भ्रष्ट हैं। अच्छा। और लोग वहाँ क्या मतलब करते हैं, सीधे 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 विधायक को भ्रष्ट बोल रहे हैं? नहीं
क्या होता है, लोग बाग क्या करते हैं, पैसा बांट देते हैं, वोट खरीद लेते हैं और सीधी सादी जनता दारू में है उसमें बिक जाती है ये। नहीं तो लोग खरीद लेते हैं। आपका क्या कहना है, सीनी विधायक मुनमुन राय के कार्य से संतुष्ट हैं आप? नहीं, मैं उनके कार्य से संतुष्ट बिल्कुल नहीं हूँ। और रहा सवाल ये बिकने का उतना, आप पहले उनके ये बात की भैया कुछ भी हो आखिरी टाइम पे उनका पैसा चलता है और पैसे में वो चुनाव चलेगा, इसके बाद भी लोग पैसा लेंगे, दारू लेंगे, पियेंगे और उनको वोट नहीं देंगे। क्या कहना आपका? हाँ मैं कह रहा हूँ बिल्कुल, ये तो मतलब आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। बड़ी बात है, क्यों उस टाइम पे जनता उतनी जागरूक नहीं थी? आप बिल्कुल जनता जागरूक हो गई, वोटर बिल्कुल समझदार हो गया। यहाँ तक कह रहे हैं कि पहले इतने करोड़ खर्च किए, इतने करोड़ खर्च किए, इस बार उसका कई गुना ज्यादा करेंगे। हाँ करने दो ना, अच्छी बात है, उसके पास है हराम का तो कर रहा वो। अरे बाप रे, और क्या है, कोई कमाई तो मतलब आप हारेस्ट के काम उनके पास, शराब ठेका उनके पास, रोड के ठेका उनके पास, जंगल के ठेका उनके पास, तो विधायक नहीं बने और पैसा खर्चा नहीं कर रहे, तुम कोई किसान कर देगा? तो मतलब आपका कहना है मजदूर कर दे, मतलब इस बार आप सीनी से मुनमुन राय को नकार रहे? हाँ बिल्कुल नकार रहे, हम तो उनके मौके भी कहते हैं कि आपने वादा भर किए काम कुछ नहीं किए। इधर आइए, हाँ बोलिए, क्या बोलना चाह रहे थे आप? कुछ बोलना चाह रहे थे आप? अच्छा सोसाइटी के बारे में सर, नमक का क्या रेट है सोसाइटी? नहीं मुझे नहीं पता, आप बताइए। नहीं देखिए मैं तो पत्रकार हूँ, मैं सुनने आया हूँ, आप मुझे बताइए। नहीं नहीं, जैसे हमको भी यदि मालूम नहीं है, जैसे मान चलो कि भैया हमको जितने में दे रहे उतने में ले रहे हैं, तो कुछ तो बता सकते हैं कि सरकारी रेट मतलब सोसाइटी में? आप बताइए मुझे, इधर आ जाइए, क्या आपको क्या हो रहा है, आपको परेशानी क्या हो रही है वो बताइए आप। 5 रुपया में दे रहा है नमक, वो तो बाहर दुकानों में भी मिलता है? नहीं बाहर दुकानों में हम तो 15-20 रुपए मिलता है। हाँ जी, तो मतलब 5 रुपए में नमक का पैकेट बेचा जा रहा है। हमारा कहने का मतलब ये है कि 5 छोड़ 10 रुपए आप लीजिए, लेकिन जो नियम है उसका उल्लंघन क्यों कर रहे हैं? अच्छा तो आपके यहाँ हो रहा है ऐसा? हो रहा है ना सोसाइटी में, हो रहा सोसाइटी में। तो ये आपकी शिकायत थी जो आप चाह रहे थे? हाँ। क्या नाम है आपका? राकेश सतनामी। राकेश सतनामी जी, ये राकेश सतनामी थे, इनकी भी एक समस्या है नमक को लेकर, इन्होंने कहा तो समस्या है तो नमक, पानी और सड़क बहुत सी हैं। ये जैतपुर खुर्द गांव था, यहाँ पे काफ़ी गुस्से में नज़र आए हमें लोग, उन्होंने सीधे सीधे सिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन के कार्य को नकार दिया, उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई कार्य ही नहीं किया, तो मतलब ये है कि इस बार की राह उनके लिए आसान नज़र नहीं है आ रही। देखना यह है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में किसका पल्ला भारी होता है, मगर ये तो तय है कि सिवनी के जो वर्तमान विधायक हैं दिनेश राय मुनमुन, उनके लिए राह आसान नज़र नहीं आ रही है। फिर मिलेंगे, जय हिंद जय भारत। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। YouTube पर जाएं और टाइप करें TRIBUNEHIND.com और फिर TribuneHindi.com चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं।